हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका मददगार अश्विनी, आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम गुरुकुल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किसी भी तारीख का दिन कैसे निकालते हैं। आपको इसे कहेगा, मान लीजिए एग्जामिनर एग्जाम में ऐसे सवाल पूछते हैं कि इस जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए पूछ ले कि 12 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था। ऐसे सवाल जो है परीक्षाओं में आते रहते हैं, तो मैं आज आपको यही सिखाने का प्रयास करूँगा। तो इसके लिए हमें जो है कुछ कोड नंबर है वो याद करने पड़ेंगे, है ना। इस जो तीन मेन तीन कोड नंबर है जो मैं आपको याद कराने का प्रयास करूँगा। पहले तो महीनों के कोड याद करने पड़ेंगे। महीनों के कोड लिख देता हूँ मैं। आप भी साथ साथ लिखते जाएं। पूरे ऐसे 12 महीनों के नाम लिख लें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। दिसंबर ऐसे पूरे 12 महीनों के नाम लिखना है। हिंदी वाले बच्चे भी लिख लें और इंग्लिश वाले भी, तो उन्हें से 12 महीनों के नाम लिख लें। तो जनवरी का कोड जो है वो 1 लिखना है, फरवरी का 4 लिखना है, मार्च का 4 लिखना है, अप्रैल का 0 लिखना है, मई का 2 लिखना है, जून का 5 लिखना है, जुलाई का 0 लिखना है, अगस्त का 3 लिखना है, सितंबर का 6 लिखना है, अक्टूबर का 1 लिखना है, नवंबर का 4 लिखना है और दिसंबर का 6 लिखना है। ऐसे ये कोड 12 महीनों के 12 कोड है ना। जनवरी का जो है वो 1 है, फरवरी का 4 है, मार्च का 4 है, मार्च के बाद अप्रैल का 0 है, फिर अप्रैल के बाद जो है मई का 2 है, जून का 5 है ना, जून के बाद जुलाई का 0 है, फिर अगस्त का 3 है, सितंबर का 6 है, अक्टूबर का 1 है, नवंबर का 4 है, दिसंबर का 6 है। इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसको याद करने का प्रयास करना पड़ेगा। ये एक कोड ये है ना, ये जो है लीप ईयर का रहता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ लीप वर्ष का है। हम इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कि लीप वर्ष का है। देखिए, आपको एग्ज़ाम में नंबर लाने तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये ना सोचेंगे हम कैसे याद करेंगे। जब मैं भी सीख रहा था तो मुझे भी ऐसा लगा कि इतना बड़ा कोड मैं कैसे याद कर पाऊँगा। लेकिन जब मैंने सोचा कि अगर मैंने ये कोड याद नहीं किया और जो मान लीजिए मैं नहीं कर पाया, जो लोग कर लेंगे वो तो एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, है ना, और कहीं और अच्छी पोस्ट पर उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा। इसलिए ऐसे अंदर अपने अंदर एक मोटिवेशन खुद लाइए कि मैं अगर ये नहीं कर पाया तो मुझे पता नहीं कौन सा काम करना पड़ेगा, किस प्राइवेट ऑफिस में क्या काम करना पड़ेगा, वहाँ कितनी टेंशन रहेगी, पता नहीं कौन कौन सा काम करवाएंगे। प्राइवेट में भी नहीं लगा तो फिर हो सकता है कि और कुछ काम करना पड़े, जो भी मेहनत मजदूरी या कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करना पड़े, है ना। तो इसके लिए ऐसा अंदर से अपने अंदर सोचना चाहिए कि मैं अगर नहीं कर पाया तो अंदर से खुद ही आवाज़ आएगी, नहीं मैं करूँगा करूँगा करूँगा, कुछ भी हो जाए मैं इसको याद करूँगा और एग्ज़ाम में जब इसका क्वेश्चन आएगा तो हल करके आऊँगा। ऐसे अपने अंदर सोचना चाहिए। जब आप सोचेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि नहीं मैं सीखूँगा सीखूँगा कुछ भी करके सीखूँगा। इसको 10 बार लिखना पड़े, 20 बार लिखना पड़े, चाहे 15 दिन तक हर दिन एक एक बार लिखूँ, चाहे महीने भर एक एक बार लिखूँ,
ऐसे करके आप जब करोगे तो लगातार जब इसको याद करने का प्रैक्टिस करोगे तो एक न एक दिन आपको याद जरूर, 1 महीने में नहीं होगा, 2 महीने में नहीं होगा, जब आप बार बार रिविजन करेंगे तो एक दिन आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, जब आप बिना देखे ऐसे लिखेंगे तो लिख पाएंगे। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मैंने भी बहुत की। जो प्रैक्टिस करेगा वो सीख जाएगा, जो नहीं सीखेगा वो दूसरों से पीछे रह जाएगा। तो ये तो है लीप ईयर का है, सॉरी थोड़ा गलत लिख रहा हूँ, सामान्य वर्ष का था, है ना। ये जो है सामान्य वर्ष का, सामान्य वर्ष में कोड़ी ये रहेंगे। ये सामान्य वर्ष के हो गए, यहाँ मैं लीप वर्ष का लिख देता हूँ। लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होता है। जनवरी का हो जाता है 0 और फरवरी का हो जाता है 3, बाकी पूरे पूरे सेम रहते हैं। फिर जैसे जनवरी फरवरी मार्च, जैसे आप तीन तीन करके याद करें, जनवरी फरवरी मार्च 144, है ना। मार्च के बाद आता है अप्रैल मई जून 025, है ना। अप्रैल मई जून हो गया 025, फिर जून के बाद आता है जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर 036, सितंबर के बाद आता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का हो जाएगा 146। ऐसे आपको याद करना है। ये सामान्य ईयर का मैंने नहीं बताया था, फिलिप ईयर का हो जाएगा 034, है ना। ऐसा हो जाएगा, लीप ईयर का पहले 3 महीनों का कोड होगा, जो होगा जो पहले हमने याद किया था 2 महीनों में से हमने एक एक घटा देना है। तो कैसे बताएंगे कि 034, फिर जो है मार्च अप्रैल मई का वही रहेगा 025, मार्च अप्रैल मई का वही रहेगा, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, कि जनवरी का जो रहेगा 03, जनवरी का जो रहेगा 0344 रहेगा, जनवरी फरवरी मार्च का है जो 0344 रहेगा, फिर अप्रैल मई जून का रहेगा जो 025, फिर उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर का रहेगा 036, और सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का रहेगा 146। तो लीप ईयर में आखिरी के 2 कोड हमको बदलने पड़ेंगे, बाकी पूरा की पूरा सेम रहेगा। ये तो हो गया महीनों का कोड। अब हमें जो है महीनों के बाद जो है दिन के कोड याद करने पड़ेंगे, कि जब हम भाग देंगे, जब हम निकालेंगे सॉल्व करके तो रिमाइंडर आएगा, उसका भी तो दिन के लिए जो रिमाइंडर आएगा उसके लिए भी आपको एक कोड याद करना पड़ेगा। पहले तो वो बता देता हूँ, जिससे हम किसी भी तारीख का दिन निकालेंगे तो वो वाला मैं आपको बता देता हूँ, है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम तारीख, आप ऐसे लिख ले। तारीख के बाद क्या लिखेंगे, तारीख के बाद लिखेंगे महीने का कोड, तारीख के बाद लिखेंगे हम महीने का कोड, तारीख के बाद महीने का कोड, फिर महीने के बाद लिखेंगे हम जो शताब्दी का कोड, तारीख महीना तो शताब्दी का कोड, फिर शताब्दी के बाद जो लीप ईयर कितना आया वह लिखेंगे, लीप वर्ष कितना आया वह लिखेंगे, दिन हो गया, तारीख हो गया, है ना, तारीख लिखेंगे, फिर महीने का कोड लिखेंगे, फिर शताब्दी लिखेंगे, है ना। शताब्दी मतलब आखिरी, पहले दिन लिख देंगे, तारीख लिखेंगे, फिर महीना लिखेंगे, फिर शताब्दी का कोड लिखेंगे, फिर ईयर लिखेंगे। ईयर में क्या लिखेंगे, ईयर में हम जो शताब्दी के बाद पहले तारीख लिखेंगे, फिर महीना लिखेंगे, फिर शताब्दी का कोड लिखेंगे, फिर ईयर लिखेंगे। यहाँ ईयर आएगा शताब्दी के बाद, ईयर, ईयर यानी सन, सन जो आखिरी के 2 नंबर लिखेंगे, फिर लीप ईयर कितने बार आया वह लिखेंगे, है ना, फिर लीप वर्ष कितने बार आया वह लिखेंगे, कितने बार ये लिखेंगे, और इसको जो है हम 7 से भाग कर देंगे। पहले तारीख लिखेंगे, फिर महीना लिखेंगे, फिर शताब्दी का जो कोड रहेगा वो लिखेंगे, है ना, शताब्दी का कोड लिखेंगे, उसके बाद जो है फिर लीप ईयर लिखेंगे, फिर लीप ईयर,
और फिर जो है साथ से भाग कर देंगे। दोबारा आपको बताता हूँ, सबसे पहले डेट लिखेंगे, तारीख, फिर मंथ लिखेंगे, महीना, फिर सेंचुरी कोड लिखेंगे, शताब्दी का जो कोड रहेगा वह लिखेंगे, फिर ईयर, सन लिखेंगे, आखिरी के दो अंक लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है लीप ईयर कितनी बार आया वह लिखेंगे और साथ से भाग कर देंगे। तो इंग्लिश वाले भी ऐसे ही लिखेंगे, पहले डेट लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, फिर जो है सेंचुरी कोड लिखेंगे, सेंचुरी कोड, उसके बाद ईयर लिखेंगे, ईयर के आखिरी दो डिजिट लिखेंगे, फिर जो है लीप ईयर लिखेंगे, लीप ईयर यानी लीप ईयर कितनी बार आया यह लिखेंगे और सात से डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो कुछ रिमाइंडर आएंगे, रिमाइंडर जो हम सात से जब भाग करेंगे, रिमाइंड डिवाइड करेंगे तो सात से ज़्यादा रिमाइंडर तो आएगा नहीं, सात से ज़्यादा शेष तो आएगा नहीं, तो उसके लिए हम लिखेंगे, है ना, उसके लिए हम कोड लिखेंगे कि जब रिमाइंडर, कौन सा रिमाइंडर आएगा तो कौन सा दिन आएगा, यह हम लिखेंगे। तो रिमाइंडर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, रिमाइंडर शेष, रिमाइंडर शेष जब एक आएगा तो, है ना, यहाँ नहीं लिखता मैं, रिमाइंडर का शेष यही लिखा है, रिमाइंडर शेष जब एक आएगा तो दिन रहेगा संडे, संडे रविवार, संडे रविवार, जब दो रहेगा तो हमें पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सब ये लिख रहा हूँ, दो तीन रिमाइंडर शेष रहेगा तो, दो रहेगा तो सोमवार रहेगा, मंडे, देखिए आप लोग इन चीज़ों को नोट करते चले ताकि जब आप दोबारा रिवीजन करेंगे ना तो आपको बहुत आसानी होगी, और जब मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ तो आप कोशिश करेंगे आपका पूरा ध्यान इधर ही रहे जो मैं समझा रहा हूँ, तो आप बहुत जल्दी सीखेंगे। देखिए थोड़ा सा जब शुरुआती दौर में हम सीखने का समय रहता है ना, हम ध्यान करेंगे, ध्यान लगाते रहेंगे इसमें, इसमें ध्यान लगाएंगे, जो भी आपको सिखा रहे हैं, मैं सिखाऊँ चाहे कोई भी सिखाए, तो आप बहुत जल्दी सीखेंगे, कम समय में आप बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल पाएंगे। कि आपको जब भी कोई कॉन्सेप्ट समझाते हैं किसी भी विषय का हो, मैं समझाऊँ या कोई भी समझाऊँ, उस वक्त आपको ध्यान देना चाहिए, बाकी चीज़ें जो है आप जब ये सीखने के बाद जब आप सिखाए उसके बाद देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जब मैं सिखा रहा हूँ तभी व्हाट्सएप आया, इंस्टाग्राम आया तो उसको खोल लिया, तो उसको क्लास के बाद खोल लें, क्योंकि खैर ज़रूरी वह भी रहता है, क्योंकि किसी ना किसी काम से संबंधित होता है या कुछ भी हमारी डेली लाइफ में उससे संबंधित है, तो उसे थोड़ा बाद में देखें, इसको क्या है तो सीख रहे हैं उसको ज़्यादा प्रिफ्रेंस दें, तो आप समझ ही गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना। तो इसलिए अपने महीने जब थ्री आए तो क्या हो गया, ट्यूजडे, मंगलवार, फोर आ जाए, बुधवार, फाइव आ जाए, थर्सडे, गुरुवार, सिक्स आ जाए, फ्राइडे, शुक्रवार। अब जो सेवन आता है ना, तो सेवन को हम जब सात में सात का भाग करेंगे तो जाहिर सी बात है जीरो जीरो आएगा, शून्य आएगा, जब जीरो आ जाए, रिमाइंडर जीरो आ जाए तो हम उसको क्या मान लेंगे, सैटरडे मान लेंगे, सैटरडे, शनिवार। तो आप ऐसे लिख लें, ये तीन कोड मैंने आपको बताए, सबसे पहले महीनों का कोड बताया है ना, सबसे पहले महीनों का कोड बताया है कि सामान्य वर्ष में जनवरी, फरवरी, मार्च का कोड जो रहेगा 144 रहेगा, फिर अप्रैल, मई, जून का कोड रहेगा 025, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर का रहेगा 036,
है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का रहेगा 1, 4, 6, और लीप वर्ष में जो है जनवरी फरवरी मार्च का रहेगा 0, 3, 4, फिर वही आगे पूरा वही की वही कंटिन्यू हो जाएगा, है ना। फिर ऐसे मैंने आपको जो है हम किसी भी तारीख का दिन निकालने के लिए जो है कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले हम तारीख लिखेंगे, फिर महीने का कोड लिखेंगे, शताब्दी का कोड लिखेंगे, है ना। शताब्दी का कोड लिखने के बाद फिर हम वर्ष लिखेंगे, सन आखिरी के 2 अंक लिखेंगे, फिर लीप ईयर कितने बार आया वह लिखेंगे, और पूरे को जोड़कर फिर 7 से भाग कर देंगे। फिर मैंने रिमाइंडर का बताया कि रिमाइंडर जब ऐसा भाग करेंगे निकालेंगे किसी तारीख का दिन, तो रिमाइंडर कुछ रिमाइंडर आएंगे, जब रिमाइंडर शेष 1 आएगा तो शनिवार रहेगा, 2 आएगा तो सोमवार रहेगा, 3 आएगा तो मंगलवार रहेगा, 4 आएगा तो बुधवार रहेगा, है ना, 5 आएगा तो गुरुवार रहेगा, 6 आएगा तो शुक्रवार रहेगा, और 0 आएगा तो शनिवार रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया। अभी उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का जो भी नोट कर रहे होंगे उन्होंने कर लिया होगा, तो मैं 1-2 मिनट का समय और देता हूँ कि जिन्हें करना होगा वो नोट कर लेंगे। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जो नोट कर रहे होंगे उन्होंने कर लिया होगा। मैं मिटा के अभी अब आपको मुझे कुछ क्वेश्चन कुछ एग्जांपल के द्वारा ये 3 कॉन्सेप्ट जो समझाए उनको क्लियर करने का प्रयास करूँगा। जो भी मेरा वीडियो देखेगा उसके मन से आज के बाद ये डर निकल जाएगा कि कोई भी आपसे पूछेगा कि इस तारीख को कौन सा दिन रहा होगा, तो मेरा वीडियो देखने के बाद आप आज के बाद किसी को भी निकाल के बता सकते हैं कि उस तारीख को, उस महीने की, उस सन की, उस तारीख को कौन सा दिन रहा होगा, ये मैं आपको सिखाऊंगा आज। तो थोड़ा सा ध्यान लगाएं, जो मैंने आपको दूसरे नंबर का कॉन्सेप्ट बताया वही हम दोहराने का प्रयास करेंगे, उसी के द्वारा हम निकालेंगे कि ज़रूरी तो तीनों हैं क्योंकि तीनों कोड आने चाहिए, महीने का भी आना चाहिए और जो मैंने बताया है वो भी आना चाहिए, और रिमाइंडर तीनों ही आने चाहिए, तो तीनों आपको याद करने पड़ेंगे। तो मैं आपको निकाल के बताता हूँ कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, है ना। पंद्रह अगस्त 1947 का दिन हम निकालेंगे, है ना। तो वही हम जो हमने दूसरे नंबर का सीखा था कि सबसे पहले तारीख लिखेंगे, फिर महीने का कोड लिखेंगे, फिर सेंचुरी कोड लिखेंगे, फिर सन के आखिरी 2 डिजिट लिखेंगे, और जो है लीप ईयर कितनी बार आया वह लिखेंगे। तो सबसे पहले जो हम लिखेंगे 15 हमारी तारीख हो गई, है ना। तो अगस्त का कोड मैंने आपको बताया था कौन सा, जुलाई अगस्त सितंबर का, जो है जुलाई अगस्त सितंबर का कोड मैंने आपको बताया था, क्या बताया था अभी, अब जब थोड़ा प्रयास करेंगे याद करेंगे तो आपसे हो जाएगा कि जो है जुलाई अगस्त सितंबर का कोड मैंने आपको बताया था 036। जुलाई अगस्त सितंबर का कोड मैंने आपको बताया था 036, तो अगस्त का कोड हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा। अब सेंचुरी का कोड कैसे निकालते हैं मैं आपको यह भी सिखा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर 2 ही सेंचुरी पर सवाल आता है, चाहे तो आप ऐसे याद कर ले, वो कोड आप ना भी सीखे तो ठीक है। 1918 है ना,
2000। इन 3 सेंचुरियों पर ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको लिखवा देता हूँ। 1800 का कोड जो है वो 4 रहता है, 1900 का 0 होता है, 2000 का 6 होता है। ज़्यादातर जो है इन्हीं सेंचुरियों पर जो है क्वेश्चन आते हैं। मैंने बता दिया है कि 1800 का 4 होता है, 1900 का 0 होता है और 2000 का जो है वो 6 होता है। ये भी आप याद कर लें, है ना। किसी भी तारीख का दिन निकालने के लिए 4 जो है कोड याद होने चाहिए। थोड़ी मेहनत तो देखिए करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में नंबर हासिल करने हैं, तो सही क्वेश्चन हल करना है तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और आप नहीं करोगे तो जो करेगा वह आपसे आगे निकल जाएगा। तो ये जो 1800 का कोड जो है वो 4 होता है, 1900 का 0 होता है, ये सेंचुरी कोड है, और 2000 का जो है वो 6 होता है। तो जो 1900 सेंचुरी कोड है इसका 0 होगा, है ना। सन लिखेंगे, आखिरी के 2 अंक लिखेंगे कि जो है सन, तो 4 47। अब जो हम 47 को 4 से भाग कर देंगे तो पता है कि कितने बार, 11 बार जाएगा पूरा 47। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, मैं अपनी गलती मानता हूँ, लिखने में हो जाता है। तो ये 11 बार इसका भाग पूरा पूरा जाएगा। इसमें भी पॉइंट में नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम लीप ईयर चेक करते हैं कि लीप ईयर कितने बार आए। तो 11 बार जाएगा, तो 11 हम यहाँ लिख देंगे और इसको 7 से हमें भाग करना है। ऐसे करना है, सबसे पहले हमने तारीख लिखी, है ना, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने तारीख लिखी 15, फिर जो है महीने का कोड लिखा 3, उसके बाद जो है सेंचुरी कोड लिखा 0, फिर हमने सन के आखिरी 2 अंक लिखे जो 1947 था, तो इसमें से 47 लिखा। फिर लीप ईयर कितनी बार आया, तो हमने 4 से भाग किया तो 11 बार आया। अब 7 से हमको भाग करना है इनको सबको जोड़कर। तो आप यहाँ तक का आपको समझ में आया होगा, मैं आगे एक और बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए हम जोड़ लेते हैं इसको, तो ये हो गया कितना, हो गया 58 58 61, है ना, कितना हो जाएगा। आप लोग भी जोड़ के बताएं, मैं भी जोड़ ही रहा हूँ, आप लोग भी इन सबको जोड़ें और 7 से भाग करें। थोड़ा सा आपको टाइम दे रहा हूँ। दस 15 सेकेंड का वो टाइम दूंगा जो लोग कर रहे हैं जोड़ेंगे, क्योंकि जो मैंने अभी एक कैलकुलेशन की एक क्लास लगाई थी, वो इसीलिए लगाई थी कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होगी। तो आप जल्दी जल्दी रीजनिंग हो चाहे मैथ्स हो, आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। जो भी सवाल दिया रहेगा उसे वो जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो जिन्होंने अगर किया होगा तो वो ऐसे निकाल लेंगे, है ना। देखिए 8 15 16 छः यहाँ लिख देंगे, 1 बज गया, 2 4 6 और 1 7 ऐसे। क्योंकि उस टाइम पे भी मैंने ऐसे ही करके बताया था जब कैलकुलेशन की क्लास ली थी। तो आप जिन्होंने नहीं देखी हो, वो जब मेरे यूट्यूब चैनल पे आएंगे तो मैंने कैलकुलेशन का एक प्लेलिस्ट बनाई, तो देखेंगे तो मैंने ऐसे ही बताया था, है ना, कैसे मैंने किया कि 5 5 3 8 7 15 और 1 16 के 6 यहाँ लिख दिया, फिर 1 हासिल का बचा तो 1 और 1 2 4 6 1 7। तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में जो है समय पर सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और सही कर पाएंगे। अगर कैलकुलेशन सही स्पीड कैलकुलेशन आपकी सही नहीं होगी तो बहुत से क्वेश्चन आने के बाद भी आप नहीं कर पाएंगे। तो अब हमारा 76 हो गया, 76 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 76 में 7 का भाग देंगे तो हमें पता है कि कितने कितने बार चला जाएगा। आप ऐसे भी करके भाग कर सकते हैं, और जिन्हें आता है वो जैसे मैंने अभी यहाँ लिखा है ऐसे ही कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप जैसे भी करें वैसे कर लें, हमें तो मेन जो है हमें सॉल्व करना है। तो ऐसे करके करेंगे तो 10 बार हो जाएगा, 10 बार चल जाएगा, जो है रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, है ना, 6 बच जाएगा। ऐसे भी करेंगे तो वही काटेंगे, तो यहाँ भी रिमाइंडर जो हमारा कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। ये हमारा रिमाइंडर हो गया, शेष हो गया। जब रिमाइंडर 6 आया था तो मैंने 6 पे आपको क्या लिखवाया था, जिन लोगों ने अभी तो खैर जो याद कर लेंगे उन्हें पता रहेगा कि 6 पे जो है हमारा शुक्रवार आता है, 6 पे जो है हमारा शुक्रवार आता है। तो 15 अगस्त 1947 का दिन जो है वो कौन सा रहा होगा,
फ्राइडे, शुक्रवार रहा होगा, है ना? रहा था। आप लोग गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि मैंने आपको जो निकाल के बताया वो गलत है, तो आप लोग गूगल पे चेक कर सकते हैं। गूगल पे भी जब आप चेक करेंगे तो दो प्रकार के कैलेंडर आते हैं। एक ग्रेगेरियन कैलेंडर आएगा, ग्रेगेरियन कैलेंडर में यही आंसर होगा, लेकिन जो जूलियन का कैलेंडर था, जो ग्रेगेरियन से पहले चलता था जूलियन का कैलेंडर, उसमें कुछ अलग आंसर रहेगा। तो जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो ग्रेगेरियन कैलेंडर में आंसर दिया रहता है, जो ग्रेगेरियन कैलेंडर के हिसाब से उसी को आंसर मानते हैं। तो आप कन्फ्यूज़ ना हो, ये गूगल पे भी कभी कभी सर्च करने पर कुछ अलग आंसर आ जाते हैं। तो जो है वो जो भी एग्ज़ाम होता है वो किसको प्रेफरेंस देते हैं, उस पे आपको थोड़ा सीखने की ज़रूरत रहती है ना? तो अभी मैंने आपको 15 अगस्त 1947 का दिन निकाल के बताया, इसी तरह मैं कुछ और तारीखों के आपको दिन निकाल के बताऊँ। उदाहरण के लिए मैं आपको आज का दिन निकाल के बताता हूँ, है ना? सेंचुरियों के कोड भी आपने लिख दिए होंगे, ये भी रहने देता हूँ। तो फिलहाल आज कौन सा महीना है, कौन सा दिन है और कौन सी तारीख है, इसका मैं आपको निकाल के बताऊंगा। आज 6 मार्च 2024 है। मैं आपको 6 मार्च 2024 का दिन निकाल के बताऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम तारीख लिखेंगे। अब हमको मार्च का कोड चाहिए, मार्च का कोड चाहिए, वो भी कौन सा? लीप ईयर का, है ना? तो मार्च का कोड तो देखिए, चाहे लीप ईयर हो चाहे नॉर्मल ईयर हो, सेम ही होता है। जो है वो हमें जो मार्च सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में जो हमें जो है जनवरी और फरवरी के कोड ही चेंज होते हैं, बाकी पूरा सेम रहता है। तो इसमें मार्च है तो हमें कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है। जो हमने याद किया है कि 144 होता है, तो हमें मार्च का कोड हम 4 लिख देंगे, मार्च का कोड 4 लिख देंगे। उसके बाद जो हमें सेंचुरी कोड लिखना है, तो 2000 सेंचुरी है तो इसका कोड 6 हो जाएगा। इसके बाद जो है हम क्या लिखेंगे, इसके बाद जो है हम सेंचुरी का कोड लिख दिया। अभी ये आखिरी के 2-4 अंक लिखेंगे, सन के और लीप ईयर कितनी बार आया यह लिखेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हमने दिन का कोड लिखा, दिन लिखा, फिर महीने का कोड लिखा, फिर जो है सेंचुरी कोड लिखा, फिर ये सन क्या सन लिखे, आखिरी 2 अंक लिखे, और छः जो है वो हमने लिखा कि लीप ईयर कितनी बार आया। अब हम इसको जोड़ के और 7 से भाग कर देंगे। तो करिए, 6, 12, 18, 22, 22 और 24 कितना हो गया? 46। 22 और 24 जो हो गया 46 हो गया, जब 7 से भाग करेंगे, है ना? तो हमारा रिमाइंडर जो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब रिमाइंडर 4 आता है तो कौन सा दिन होता है? रिमाइंडर 4 आता है तो जो है बुधवार होता है। जब रिमाइंडर 4 आता है तो जो है वेडनेसडे बुधवार होता है। तो मैंने आज आपको आज का ही दिन, आज की तारीख का दिन निकाल के बताया कि 3 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा। तो आज तो सभी को पता है कि आज का दिन जो है बुधवार है। तो आप मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने सिखाया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने आपको आज की तारीख का ही दिन निकाल के बता दिया। आप ऐसे ही किसी भी महीने की तारीख का दिन, कौन सी भी सन का निकाल सकते हैं। जो मैंने आपको 4 कोड बताए कि पहले महीनों के कोड याद करने पड़ेंगे, फिर जो है तारीख निकालने के लिए जो एक कोड बताया था कि पहले तारीख लिखनी है, फिर महीना लिखना है, सेंचुरी कोड लिखना है, फिर सन के आखिरी 2 अंक लिखने हैं, और लीप ईयर कितनी बार आया वह लिखना है, और पूरा जोड़ के 7 से भाग करना है। फिर रिमाइंडर अगर 1 आए तो क्या बताया था, रविवार, 2 आया तो सोमवार, 3 आया तो मंगलवार, 4 आया तो बुधवार, 5 आया तो गुरुवार,
6 आया तो शुक्रवार, और 7 को हम 0 ही मानते हैं, 7 आया तो शनिवार। जो सेंचुरी के कोड बताए थे कि 1800 का जो मैंने आपको बताया था 4, है ना, 1900 का 0 बताया था और 2000 का 6 बताया था। इतने सब जिस दिन आपको याद हो जाएगा, अब से अगर कोई सी भी महीने की कोई सी भी सन का तारीख पूछ लेगा, उस दिन का दिन निकाल कर बता देंगे। इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, जब भी आप किसी को भी निकाल कर बता पाएंगे। आपको अगर आपको कोई आपका दोस्त रिश्तेदार कोई भी आपसे कहेगा कि यार मुझे इस तारीख का दिन निकालना है, तो आप उसको तुरंत 10 सेकंड नहीं लगेंगे और निकाल के बता देंगे। तो उस दिन सोचिए आपकी कितनी तारीफ होगी। तो दोस्तों, जिसे भी मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आए वो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे लोग जिन्हें ऐसी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, मैथ, रीजनिंग, जो भी सरकारी नौकरी एक सरकारी एग्ज़ाम की भर्तियां निकलती है उससे संबंधित जिसे भी तैयारी करनी हो, ऐसे लोगों को मेरे चैनल पर मेरे चैनल के बारे में बताने का प्रयास करते रहें और उन्हें मेरे चैनल से जोड़ते रहें। क्योंकि जो भी मेरे चैनल से जुड़ेगा वो लगातार जुड़ा रहेगा, एक न एक दिन कुछ ना कुछ बन के रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।